नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां स्कूलों में शौचालय की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते बच्चों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। बता दें कि रुदौली तहसील के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की हालत बेहद खराब है। वहीं बच्चों का कहना है कि स्कूल में शौचालय की स्थिति सही नहीं है, इस वजह से छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो है पानी के तरीके से पैसे बहाए जा रहे हैं, और यहाँ पे इस समय रुदौली तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पस्ता कंपोजिट विद्यालय है, और यहाँ की स्थिति दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप साफ तौर पे यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये शौचालय है। यहाँ पे जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो है इसका शौचालय के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शौचालय की स्थिति है इसमें काफी जो वर्षों से नहीं चल रही है। वजह यह है कि ये इसमें जो है उपयोग जो है बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं कि घास उगी हुई है और ये जो वेसिंग जो है चल नहीं रही है। इस साफ तौर पे इस पे देख भी देखा भी जा सकता है, चलन नहीं है। ये पटा है, मुका पाती भरी है। कितने दिनों से है सर? 3 महीना। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं हम लोग, यही सब भट्टा भट चुका है। शौचालय नहीं चल रही है? नहीं, पानी वानी इसमें आता है? नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पे जो शौचालय बना हुआ है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि ये जो पूरी तरीके से जो है निष्प्रयोग है, और यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं उनसे हम बात करते हैं। नहीं, उपयोग नहीं हो रहा। तो आप लोग कहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, जिससे आप लोगों को दिक्कतें होती होंगी? बाहर। क्या कहोगी इसको? जैसे बाग बगीचे में हम लोग जाते हैं, और ये लेटरिन सफा नहीं है। दिक्कतें हो रही हैं जी। क्या नाम पड़ता है? क्या कहोगी ये शौचालय नहीं चल रहा है? बंद है। क्या वजह है, क्या है इसमें? पाती भटी है। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? 3-4 महीना। ये सही होना चाहिए जी। वो बच्चे पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको जो यहाँ पे शौचालय ना चलने की वजह से जो उनको बाहर जाना पड़ता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अधिकारियों का जो है दौरा ना लगता हो, अधिकारी भी यहाँ पे दौरा करके जो है वापस चले जाते हैं, और यहाँ पे जो बच्चों की समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, जबकि इस पे जो है लाखों रुपए खर्चा किया जाता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।